नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कट ऑफ मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दोस्तों, सोशल मीडिया साइट पर यह खबर चल रही है कि शासन 60-65 कट ऑफ को बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट पर यह इमेज भी आप वायरल होते हुए देख रहे होंगे। इस वीडियो में मैं पूरा इसी मुद्दे पर बात करूँगा और पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या। तो यदि आप भी इस भर्ती में सम्मिलित हुए थे और इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले जो सोशल मीडिया साइट पर खबर चल रही है उसकी पड़ताल करते हैं। दोस्तों, ऐसी किसी भी बात में कोई भी सच्चाई नहीं है कि शासन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 60-65 कट ऑफ को बचाने के लिए ये याचिका दायर की गई है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो आखिर ये एक चीज़ क्या है जो आप इमेज के रूप में स्क्रीन पर देख रहे हैं? दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैवियट है जो कि फाइल किया गया है एक पक्ष के द्वारा। अगर इसके विश्वसनीयता की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्टैम्प देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ आज ही के दिन 4 अप्रैल 2019 को ये लगाया गया है, यानी ये कैवियट फाइल किया गया है। अगर थोड़ा और मैं डीप में ले चलूं तो ये एक कैवियट है जो कि आप इनकी वेबसाइट पर देख पा रहे हैं, कैवियट नंबर 3178/2019 और फाइलिंग डेट भी आप देख सकते हैं, रिसीविंग डेट। और इसके अलावा ये कैवियट फाइल किया गया है कि 29 मार्च 2019 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा केस नंबर 27/20/2019 में जो कोर्ट ऑर्डर आया था कट ऑफ मुद्दे पर 40-45 के अकॉर्डिंग भर्ती को 3 महीने में पूर्ण करने के लिए, उसके संदर्भ में ये कैवियट माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है। दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर कैवियट होता क्या है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि यदि किसी केस में माननीय कोर्ट के द्वारा कोई फैसला दिया गया है और उस केस में जितने भी पक्ष होंगे, जैसे इसी केस का मैं उदाहरण लूं, तो आप लोग को पता होगा कि एक पक्ष इसमें था शिक्षा मित्र का, दूसरा पक्ष था शासन का और तीसरा पक्ष था बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों का। तो दोस्तों, 3 पक्ष इसमें थे और फैसला शिक्षा मित्रों के फेवर में गया है। तो इसमें शिक्षा मित्रों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक कैवियट दाखिल किया है। कैवियट का मतलब ये होता है कि अगर इसमें फैसला जिसके विरुद्ध आया है, अगर वह माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पक्ष को एक लीगल नोटिस भेजेगा और बिना लीगल नोटिस भेजे इस केस में कोई भी फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, ये होता है कैवियट का पूरा मतलब और इसकी वैलिडिटी जो होती है वह 90 दिन की होती है। यानी जब भी कैवियट फाइल किया जाएगा उसके 90 दिन के भीतर अगर कोई पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इससे रिलेटेड जिस पक्ष ने कैवियट फाइल किया है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट एक लीगल नोटिस भेजकर यह जानकारी देगी कि आपके इस केस पर्टिकुलर केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, आप आकर के इसमें अपना पक्ष रख सकते हैं। दोस्तों, ये होता है पूरा कैवियट का मतलब और जो भी सोशल मीडिया साइट पर भ्रामक खबरें चल रही हैं आप लोग उससे बचें। और उम्मीद करता हूँ आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा यदि कुछ बच गया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी के कमेंट्स का आंसर करने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।